इंग्लैंड का अप्रोच बल्ले से काफी स्टिफ रहा है। पहले टेस्ट मैच को अगर हम भुला दें तो आज भी इस इनिंग्स में भी वही हुआ, एक पत्तों के महल की तरह ये पारी बिखर गई। रूट के अलावा भी वो भूख नहीं दिखाई, वो तैयारी नहीं दिखाई रुकने की, और बैटिंग कार्ड आपको है कि ज्यादा बात बनी नहीं है इनकी आज। जी बिल्कुल, आपने कहा कि भारतीय लोअर ऑर्डर से इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर ने सीखा नहीं, मैं कहूंगा मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ सीखा नहीं, क्योंकि उनका जो अगर आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर, जो रूट की भी बात कर लें, शायद एक शतक है और ये एक अर्धशतक है, उसके अलावा उनका बल्ला इतना बोला नहीं है। अब जब इतने बड़े प्लेयर का बल्ला बोला नहीं है, बेन स्टोक्स का बल्ला बोला नहीं है, तो फिर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब सीरीज से खत्म हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उस तरीके का चुप रहा है। कहीं ना कहीं जरूर इस चीज पे ध्यान देंगे, क्योंकि 5 मैच में अगर आप देखें, 5ों मैच में मिडिल ऑर्डर चला नहीं है, कंसिस्टेंटली वो चला नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन दिखा नहीं आपको, तो कहीं ना कहीं जरूर बहुत सारे सवाल उठेंगे और जगहों पे भी सवाल उठ सकते हैं कि उस तरीके की सीरीज रही है ये इंग्लैंड के लिए। 2 बार ऐसा रहा कि टेस्ट मैच के बीच 10-10 दिनों का गैप था, उसके बाद भी कोई ऐसा कोई नाटकीय बदलाव नहीं आया उनके रन स्कोरिंग में, उनके अप्रोच में, उनकी सोच में। क्या इंग्लैंड की ये जिद थी एक तरह के ब्रांड के साथ खेलने की जो कारण बना इन कोलैप्सिस का? क्योंकि पहले टेस्ट मैच को हटा के बाकी 4 को देखे तो हर बार हमने ट्रेंड देखा है कि धड़ाधड़ विकेटें गिरती गई। जी बिल्कुल, देखिए आपको सिचुएशन हिसाब के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। मुझे कहीं ना कहीं लगा शायद थोड़ा सा जो इंग्लैंड के थिंक टैंक थे या जो कप्तान कोच जो भी थे, वो थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते थे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते थे, जहां पे मैं कहूंगा चांसेस क्रिएट हुए थे। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के लिए नहीं, लेकिन उस चांसेस को इंग्लैंड ने गवाया। अगर आप देखें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिस तरीके से वो जो रूट आउट हुए थे, वो सेशन में जो पहला सेशन था, वहां पे इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पे थी, लेकिन वहां से जो मोमेंटम बिगड़ा, मुझे लगता है इंग्लैंड वहां से बिल्कुल कोलैप्स कर गई। और जरूर इंग्लैंड अभी बात करेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि 2 चीजें, एक तो आप सीरीज हार गए और दूसरा आपका जो ओवर रेट है इतना खराब है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल WTC पॉइंट में नीचे हैं। तो मुझे लगता है दो दो झटके लगे हैं यहाँ पे, 2 चीजों पे जरूर ध्यान देना होगा, अनलेस कि आप WTC पे इंटरेस्टेड नहीं।